यूं तो हम आपको रेलवे से जुड़ी तमाम जानकारियां समय समय पर साझा करते रहते हैं। कभी रेलवे के कामों की चर्चा होती है तो कभी रेलवे की बदहाली पर बात होती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बिहार के उन ट्रेनों की बात करने आए हैं जिन ट्रेनों में चढ़ने से पहले या फिर चढ़ने के दौरान आप सहज महसूस नहीं करते। आज हम बात करेंगे बिहार के महकौआ ट्रेनों की। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ट्रेन आ गई है जिसका नाम इतना अजीबोगरीब है, तो चिंता मत कीजिए, ये खुलासा भी हम जल्दी ही कर देंगे आपसे। लेकिन उससे पहले बात अगर बिहार के ट्रेनों की करें तो यहाँ के लोगों के लिए तो गंदगी को जैसे रिवाज ही बना लिया गया है। एक तरफ रेलवे साफ सफाई के तमाम दावे करता है तो वहीं दूसरी ओर बिहार में ट्रेनों की असली तस्वीर अगर हम आपको दिखा देंगे तो आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐसी ट्रेनों में सफर भी किया होगा और करते भी होंगे। दरअसल त्योहारों को लेकर ट्रेनों में बड़ी भीड़ के बीच रेलवे की सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। ट्रेनों के शौचालय और वाश बेसिन जाम होने से यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। चलती ट्रेन में सफाई के लिए शुरू की गई ऑन बोर्ड हाउसिंग कीपिंग यानी कि OBHS के कर्मी ढूंढने पर भी यात्रियों को नहीं मिलते हैं। अब बात करें खबर की तो नई दिल्ली से आने वाली वैशाली सुपरफास्ट, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट, चंपारण हम सफर एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस और अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में अक्सर OBHS कर्मी गायब रहते हैं। चंपारण हम सफर एक्सप्रेस से जंक्शन पर उतरे यात्रियों ने बताया कि स्लीपर कोच के अधिकतर शौचालय जाम रहने से पूरे रास्ते परेशानी झेलनी पड़ी। आखिर में एसी कोच का शौचालय इस्तेमाल करना पड़ा। इसके साथ ही अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों ने बताया कि AC 3 कोच का शौचालय गंदा होने की ऑनलाइन शिकायत की, लेकिन मोबाइल रिसीव करने वाले रेल कर्मी ने सफाई से इनकार कर दिया। शौचालय की सफाई होने में 2 घंटे लग गए। इतना ही नहीं, लंबी दूरी से आने वाली ट्रेनों के जनरल कोच में यात्रा करने में यात्रियों के पसीने छूट रहे हैं। कोच के अलावा शौचालय में खचाखच भीड़ रहती है। भीड़ के कारण यात्री शौचालय की खिड़कियों की कांच को तोड़कर यात्रा करने के लिए मजबूर है। खिड़की की कांच तोड़े जाने से शौचालय का उपयोग यात्री नहीं कर पाते हैं। गंदगी और दुर्गंध के कारण यात्रा करना भारी पड़ रहा है और इसी सब के बीच यात्रा करना उनकी मजबूरी भी है और इस मजबूरी को वो आखिर कहें तो किससे, क्योंकि यात्रियों का मानना है कि साफ सफाई के दावे करने वाले रेलवे की ओर से इसे लेकर पहल करनी चाहिए। त्योहार का मौसम चल रहा है और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। खासतौर पर अगर बिहार को आने वाली ट्रेनों की बात करें तो इन दिनों छठ पर्व और दीपावली को लेकर यात्री अपने अपने घर लौट रहे हैं और यही कारण है कि ट्रेनों में खचाखच भीड़ दिख रही है। ऐसी भीड़ के बीच में सफाई व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो यात्रियों को परेशानी और भी झेलनी पड़ती है। चलती ट्रेनों में सफाई करने वाले ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग कर्मी ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं और इस शिकायत के बाद रेलवे को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और देखना चाहिए कि यात्रियों की सहूलियत की बात करने वाले इस विभाग में कहीं कोई ऐसी बात न सामने आए जिससे यात्रियों की फजीहत हो जाए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।